आज जिस फिल्म के बारे में बात करने वाला हूँ उसके अंदर का जो टॉपिक है या फिर ये फिल्म जो मैसेज देना चाहती है ये कुछ नया या अलग बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में आई है लेकिन इस फिल्म के अंदर जो उन्होंने कंक्लूजन की तरफ या फिर क्लाइमेक्स में जो अप्रोच रखा है वो बहुत ही सही है और ऐसा ही होना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है जहां पे मैं कि आपका होस्ट और ये रहे मेरे गोस्ट। बात करूंगा 2022 में आया हुआ तमिल फिल्म जो आप लोगों के लिए नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है जिसका नाम है ईटी यानी के एथरकुम तुंदी धवन के बारे में। तो बिना आपको वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। एक मास कमर्शियल फिल्म है जिसके अंदर आपको एक्शन कॉमेडी ड्रामा रोमांस और एक अच्छा मैसेज देखने के लिए मिलेगा लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट होने से फिल्म भी अच्छा हो जाएगा ऐसे जरूरी बिल्कुल भी नहीं। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। तो फिल्म की कहानी है सूर्या की जो इस फिल्म में कन्नड़ भैरन का रोल निभा रहा है जो पेशे से एक लॉयर है लेकिन फिल्म में सिर्फ दो ही बार कोर्ट जाते हुए दिखाया है। पूरे फिल्म में ऐसा लगता है कि घर में बहुत सारा पैसा है क्योंकि ये तो दिन भर सिर्फ गेड़िया ही मारते रहता है। एक बहुत ही भयानक अपराध के पीड़ित परिवार से आने वाला सूर्या बहुत ही कम उम्र में अपने बहन को खोने के बाद ये कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप को खाली महसूस करने वाला इस गांव में जाना माना रक्षक है। गए कई वर्षों से ये गांव नॉर्थ और साउथ में बटा है। इन दोनों के बीच अच्छे संबंध थे लेकिन कुछ कारण की वजह से इनके संबंध टूट गए और खटास बढ़ गई। अभी ये एंगल इस फिल्म के अंदर क्यों डाला गया है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। साउथ की फिल्में ऐसे ही होते हैं लेकिन इसका इस फिल्म के अंदर बिल्कुल भी कुछ संबंध नहीं है ऐसा मुझे लगता है। तो इस फिल्म की कहानी का मेन मुद्दा यही है लड़कियों पर होने वाले अत्याचार का। जब अचानक से कई सारे लड़कियों की मौत होने लगती है और एक दिन अपने गर्लफ्रेंड की सहेली को बचाते हुए उसे पता चल जाता है कि उसके गांव का एक हाउसी बिजनेसमैन का लड़का लड़कियों को भेला फुसला कर उनका फायदा उठा रहा है और उनके वीडियो बना के रख रहा है। इसी के आड़ में वो अच्छी घर के लड़कियों को अपने बिजनेस डील में प्यादा इस्तेमाल करता है और उसके खिलाफ जो कोई भी आवाज उठाएगा उनकी आवाज वो हमेशा के लिए बंद कर देता है। ऐसी ही परिस्थिति में सूर्य उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और सूर्य की नई नवेली दुल्हन का भी वीडियो बनाकर उसके साथ बाकी सभी 500 लड़कियों का भी बनाया हुआ वीडियो इंटरनेट पर डालकर उन्हें बदनाम करूंगा और उनका भविष्य खराब करूंगा ऐसे धमकी देकर सूर्या को चैलेंज करता है। इस समस्या पर सूर्या क्या करेगा और उससे कैसे लड़ेगा इसी मुद्दे के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है और यही आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ऐसे कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी फिल्में आए थे और आते जाएंगे। इसका सिर्फ एक ही खास बात है जो मैंने पहले कहा था कि इसका जो कंक्लूजन या फिर क्लाइमेक्स सीन है उसकी तरफ जैसा उन्होंने अप्रोच रखा हुआ है वो ही थोड़ा सा बढ़िया है। तो फुल फिल्म को अगर देखने के लिए जाओगे तो लास्ट के 20 या 30 मिनट से फिल्म देखने लायक है। बाकी पूरा चंक पूरा डब्बा है, मीनिंगलेस है, उसके अंदर कुछ ज्यादा बेस बिल्कुल भी नहीं है। इस फिल्म की जो मेकिंग है वो एक कंप्लीट कमर्शियल फैमिली फ्रेंडली फिल्म बनाने की कोशिश की है लेकिन एक्चुअली उसी की वजह से ये फिल्म ठंडी गिर जाती है। जैसे ही ये फिल्म एक सीरियस स्टोरी लाइन मतलब अपने मेन मुद्दे पर आने की कोशिश करती है तभी उसकी सीरियसनेस खत्म हो जाती है क्योंकि ये लोग तुरंत कॉमेडी का एंगल डालकर लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं और आने वाले इस फिल्म के हेतु को ठंडा कर देते हैं। अभी ऐसे एंगल से इस फिल्म को क्यों बनाया गया है ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। इतना भी मास फिल्म बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी क्योंकि पब्लिक बहुत ही समझदार हो चुकी है भाई। उसी की वजह से ये फिल्म काफी बोरिंग हो जाता है और मेन मुद्दे से हमेशा हटते रहता है और जिस हिसाब से इसके परिवार को दिखाया अगर ऐसे परिवार सबको मिल जाए तो सबकी लाइफ झिंगालाला हो जाएगी। कॉमेडी और ड्रामा इस फिल्म के अंदर इतना डाला गया है कि इस फिल्म की पूरी क्वालिटी ही डिस्ट्रॉय कर दी है। ऐसे लगता है बहुत अच्छे सिचुएशंस को भी डाल के इस फिल्म को और अच्छे से बनाया जा सकता था। फाइट सीन्स एज यूजुअल साउथ की फिल्में अनरियलिस्टिक और नकली लगती हैं। सिर्फ और सिर्फ हीरो को ग्लोरीफाई करने के लिए एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं ऐसे लगता है। अबे फिल्म का उद्देश्य क्या है, क्या टॉपिक है, क्या दिखाना चाहते हो और क्या दिखा रहे हो सब कुछ बाजू में रह जाता है। इवन सेकेंड हाफ में भी इन लोगों की छिछोरे पंक्तियां अभी तक चल ही रही होती है और फिल्म के अंदर कॉमेडी और गाने आ ही रहे होते हैं। सीरियस टॉपिक को ये लोग टच ही नहीं करते। सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन मुझे एज नॉर्मल लगा, कुछ बिल्कुल भी खास नहीं है। टिपिकल साउथ इंडियन फिल्मों जैसे ही था। एक्टिंग सभी लोगों की नॉर्मल है, हीरोइन तो सिर्फ नाम की ही है। साउथ में हीरोइन वैसे नाम की ही होती है लेकिन पैसा जबरदस्त कमाते हैं। एक गाना ढंग का नहीं है, मैंने सभी फास्ट फॉरवर्ड कर दिए। सूर्य का भी एक्टिंग बहुत ही नॉर्मल है, इतना खास बिल्कुल नहीं। तो रेटिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू CBF से इस फिल्म को रेट किया है UA यानी कि PG-13 नहीं समझ लो। तो 13-14 साल के नीचे बच्चे अकेले से इस फिल्म को बिल्कुल भी ना देखे और वैसे भी ये बच्चों को समझ में आने वाली नहीं है फिल्म तो उन्हें ना ही देखना चाहिए या फिर नहीं भी देखे तो भी चलेगा लेकिन बड़ों के साथ अगर बैठ के देख रहे हैं तो थोड़ा कॉशियसली इस फिल्म को देखना पड़ेगा। ये फिल्म फैमिली फ्रेंडली यानी कि सभी लोग साथ में बैठ के कंफर्टेबली देख सकते हैं। ये फिल्म तमिल के अलावा हिंदी, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ में भी अवेलेबल है और ये विजुअली इंपैक्ट फ्रेंडली फिल्म बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपको 2 घंटे 40 मिनट का एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म देखना है तो सिर्फ और सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट के लिए मैं ये फिल्म 30% रेकमेंड करूंगा। बाकी बहुत ही बोर है, घिसा पिटा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा और इस फिल्म का जो मेन मुद्दा है उसे फील नहीं कर पाओगे। इस फिल्म में यही दिखाना है कि पावर में और सत्य में रहने वाले लोग
अपने पावर का कैसे इस्तेमाल करके आम इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं। और इस फिल्म के अंदर तो सूर्या खुद एक लॉयर होता है, लेकिन लॉयर होने के बावजूद भी उसे कितनी सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है कोर्ट रूम के अंदर, उसी के अगेंस्ट सबूत खड़े करके सही होते हुए भी उसे जेल जाना पड़ता है। तो एक टूटे हुए सिस्टम को बहुत ही अच्छे से दर्शाया है, लेकिन इसका फायदा क्या है? आने वाले समय में तो सिस्टम और टूटते जाने वाला है। जब तक सही से अच्छे से लोग आकर इस सिस्टम को चलाएंगे नहीं, तब तक इस सिस्टम का कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर अच्छे लोग आए तो भी उनके आवाज दबाए जाएंगे और बुरे लोग ही राज करने वाले हैं, और यही कलयुग का दस्तूर है। तो अगर आप सूर्या के हार्डकोर फैन हो तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप जाकर वन टाइम देख सकते हो, इतना कुछ खास बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बहुत ही बोर हो गया, मुझे सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट देखना था कि इस फिल्म के अंदर क्या है, एक लॉयर क्या करते हैं। इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया था, उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि भाई फिल्म के अंदर हमें कुछ और अच्छा देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि मैंने इसका पहले से जो जय भीम फिल्म देखा था वो बहुत ही अच्छा निकला था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी ऐसे ही कुछ अच्छा होगा, मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा रख के मैं फिल्म को देख रहा था वो इतना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये फिल्म थोड़ा लंबा है तो मैं कहूंगा अगर देखना है तो वीकेंड्स में देखो, वीकडे में बिल्कुल भी मत देखो। तो अगर आप ये फिल्म जाकर देखते हो तो आपको ये फिल्म और मेरा व्लॉग कैसे लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेरा छोटा सा व्लॉग देखते हो। तो बस आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही, दबाने का तुरंत वो ऑल बटन दबाने का ताकि मेरे जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे तभी आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर मेरे दूसरे व्लॉग्स को देखना चाहते हो तो ऊपर आए बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाजाले को बेवजह छेड़ने का नहीं, अनसब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं। क्या बाय बाय।